कोट कासिम के मतलवास गांव में बीते साल 28 नवंबर को हरियाणा से आई एक बारात में फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या के दो आरोपियों को कोट कासिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही फरार दोनों ही आरोपियों पर पुलिस ने 2500 रुपए का इनाम घोषित किया था। बीते साल 28 नवंबर को हरियाणा के गढ़ी बोलनी से कोट कासिम के मतलवास गांव में आई बारात में डीजे पर नाचते समय हुए झगड़े के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की थी। गिरफ्तार आरोपी ने दिल्ली हरियाणा में सक्रिय काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर विक्की उर्फ कारतूस को भी वारदात में शामिल किया था। गिरफ्तार दोनों इनामी बदमाश चचेरे भाई हैं। इस मामले में शार्प शूटर विक्की उर्फ कारतूस सहित अन्य तीन बदमाशों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कोट कासिम थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि गत वर्ष 28 नवंबर को हरियाणा के गढ़ी बोलनी से मतलवास गांव में आई बारात में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने प्लानिंग के तहत हरियाणा से बुलाए गए बदमाश ने डीजे पर नाचते समय अमन यादव, नवीन कुमार और विकास यादव पर फायरिंग कर दी थी, जिससे गढ़ी बोलनी के रहने वाले अमन यादव की मौके पर ही मौत हो गई और उसके साथ ही नवीन कुमार और विकास यादव फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दौरान वारदात को अंजाम देकर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें कुलवंत उर्फ टीटू, संदीप कुमार को गत वर्ष 30 नवंबर को और ओम प्रकाश को 30 जनवरी को व विक्की उर्फ कारतूस को 13 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में फरार यशपाल वकील व रमन की तलाश जारी रही। मंगलवार शाम को कोट कासिम पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी यशपाल व उसके भाई रमन यादव को हरियाणा से गिरफ्तार कर लाई है।